अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी, आप बैठ जाए। मैं कह रही थी कि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ ये हमारा प्रबंधन था, इसलिए कभी प्राइस राइज पर चर्चा नहीं हुई, और दाम बढ़ाओ और कोटा घटाओ ये इनका प्रबंधन है, इसलिए नौ नौ बार चर्चा। तो ये आंकड़े देकर मैंने आपको बताया कि पहला कारण जो बताया गया कि घरेलू उत्पादन में कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है, वो कारण सच नहीं है। दूसरा कारण आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल चावल और तेल के भाव बढ़ गए, इस कारण महंगाई बढ़ रही। अध्यक्षा जी, ये आंकड़े मैं लेकर आई हूँ, फ्यूचर ट्रेड्स के अमेरिका के ये आंकड़े मैंने नेट से निकाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुशेल के तौर पर मात्रा तय की जाती है और डॉलर की करेंसी में रुपया तय किया जाता है, पैसा तय किया जाता है। मैंने अपने देशवासियों को समझाने के लिए बुशेल को किलोग्राम में परिवर्तित किया और डॉलर को रुपयों में परिवर्तित किया, और कल का जो रेट है डॉलर का 46.2 उसकी दर से इसको परिवर्तित किया। ये मैं आपको बताती हूँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव। गेहूँ दिसंबर 2008 में 11 रुपए प्रति किलो था, फरवरी 2010 में घटकर 8.51 रुपए रहे, 8.51 रुपए। चावल ये कह रहे हैं जनवरी 2008 में 14.59 रुपए था, फरवरी 2010 में 14.45 रुपए, बढ़ा नहीं 14 पैसे घटा। मक्का जून 2008 में 12.16 रुपए प्रति किलो थी, फरवरी 2010 में 6.71 रुपए प्रति किलो बिका। तेल सोयाबीन का तेल फरवरी 2008 में 69 रुपए प्रति किलो था, फरवरी 2010 में 37 रुपया प्रति किलो है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसलिए ये कहना आप शांत रहिए, इसलिए ये मत बोल, आप बीच में मत बोलिए, आप इस तरह नहीं बात करिए, आप बैठ शांत रहिए, शांत रहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री बनना है, बंगाल के मुख्यमंत्री बनना है, बंगाल के मुख्यमंत्री बनना है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल, विल यू टेक योर सीट, सिट डाउन, सिट डाउन, टेक योर सीट, टेक योर सीट, आप बैठिए, आप बैठिए, आप शांत रहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, दूसरा कारण जो बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे, वो भी सच नहीं। तीसरा कारण बताया किसानों को समर्थन मूल्य अधिक दिया, क्या समर्थन मूल्य अधिक दिया, 2007-08 में दिया 8.5 रुपया प्रति किलो, 2008-09 में दिया 10 रुपया प्रति किलो, और 2009-10 में दिया 10.80 रुपया प्रति किलो। क्यों शरद भाऊ, यही आंकड़े हैं ना, 850 रुपये प्रति किलो, प्रति क्विंटल 850, फिर 1000 रुपये प्रति क्विंटल, और फिर 1080 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन उपभोक्ता को किस भाव खिलाया, जब 8.5 रुपए समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 15 रुपए किलो, जब 10 रुपया समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 17 रुपए किलो, और जब 10.80 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 20 रुपया किलो। आप कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी, अगर समर्थन मूल्य से 1.5 रुपया 2 रुपया ज्यादा पर चीज बिकती तो मैं आपके इस तर्क को मान लेती कि आपने 8.5 रुपया किसान को दिया, इसलिए 11 रुपये बिकना ही था। लेकिन दूर दूर तक कोई रिश्ता किसानों को दिए हुए समर्थन मूल्य और बाजार में बिकने वाले दाम का नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब था किसानों से महंगा खरीदो, उपभोक्ता को सस्ता खिलाओ, बीच का अनुदान दो, उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लेकिन हम किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं देते और उपभोक्ता को महंगा खिलाने की मार मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी है। जहां तक किसान का सवाल है शरद भाऊ, आप एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। अगर आपने किसानों का समर्थन मूल्य 8.5 से 10.80 रुपए किया, तो अभी 4 दिन पहले आपने 25 रुपया प्रति बोरा यूरिया का दाम बढ़ाकर दूसरे हाथ से उसके हाथ से पैसा लेने का काम किया।
किसान के द्वारा खरीद की जाने वाली हर वस्तु हर उपकरण महंगा है। एक चीज बेचता है बाकी तो सारी चीजें खरीदता है ना। अगर गेहूं उत्पादन करता है तो गेहूं बेचता है, चावल उत्पादन करता है तो चावल बेचता है, बाकी सारी चीजें दालें खरीदता है, चाय खरीदता है, चीनी खरीदता है, ये सारी की सारी खरीदता है कि नहीं खरीदता। तो किसानों के समर्थन मूल्य और उपभोक्ता के ऊपर पड़ने वाली मार में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये आपका तर्क भी सही नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण दाम बढ़े। चौथा कारण आपने बताया गरीबों की आय में वृद्धि हुई है क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। अध्यक्षा जी, मैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहती विस्तार से, क्योंकि उससे विषयांतर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, अभी पीछे से आवाज आई कि नरेगा तो शुरू भी नहीं हमारे। नरेगा से छला हुआ मजदूर समाप्त है, उनको बोलने दीजिए। नरेगा से छला हुआ मजदूर तो बुरी मार सह रहा है, महंगाई की मार भी सह रहा है और भ्रष्टाचार की मार भी सह रहा है। कौन सी गरीबों की आय में वृद्धि की बात करते हैं? मैं कहती हूं अगर नरेगा पूरे का पूरा चले, सही चले, एक नए पैसे का पिलफ्रिज ना हो, तो 100 दिन का कारोबार 100 रुपया प्रतिदिन की दृष्टि से कहने की बात आपने की है। पूरे 100 दिन का रोजगार मिले उसे, 100 रुपए की पगार मिले तो 10,000 रुपया साल होता है। 10,000 रुपए साल का मतलब है 850 रुपए महीना। 850 रुपए की आय को आप कहते हैं गाना गा के ढोल पीट के गरीबों की आय में वृद्धि हो गई? 850 रुपए की आय उसकी जेब में, और ये तब अगर 100 दिन का पूरा रोजगार मिले और 100 रुपया पूरी पगार मिले। हालत ये है कि जॉब कार्ड बने हैं, ना 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, ना 100 दिन की पगार मिल रही है, और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में। आप क्यों खड़े बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। इसलिए मैंने आपसे कहा था जरा सा शांति रखिए, शांति रखिए, शांति, शांत, आप शांत हो जाइए, शांति बनाइए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अध्यक्षा जी कि ये जो चार कारण राष्ट्रपति अभिभाषण में गिनाए गए हैं कि घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिला है, गरीबों की आय में वृद्धि हुई है इसलिए महंगाई बढ़ी है, ये चारों के चारों कारण अनुचित हैं, ये चारों के चारों कारण निराधार हैं और ये चारों के चारों कारण असत्य हैं। महंगाई के कारण कौन से हैं ये मैं बताती हूँ। है महंगाई के कारण चार कारण हैं और आपके सामने बताती हूँ, और वो चारों कारण घोटालों के हैं। गेहूं घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला, और इसलिए ये महंगाई नहीं, हम इसको महंगाई का महाघोटाला कहते हैं। और अध्यक्षा जी, जब मैंने घोटाला शब्द का इस्तेमाल किया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। मैं एक एक घोटाले के आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। जहां तक गेहूं आयात घोटाले का सवाल है, आपने 2007-08 में 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया। शरद भाऊ, मैं आपका ध्यान चाहूंगी, 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया आपने, लेकिन उसी साल आपने गेहूं आयात किया 14.82 रुपए के हिसाब से। यानी हमारे यहाँ के किसान को 850 रुपए का दाम और विदेशी किसान को 1482 रुपए का दाम।
632 रुपया प्रति क्विंटल, 632 रुपया प्रति क्विंटल आपने ज्यादा दिया विदेश के किसानों को। और गेहूं कौन सा मंगाया? ऐसा लाल गेहूं जो आदमी तो क्या जानवर भी खाने से मना कर दे। लाल रंग का गेहूं, अध्यक्षा महोदया, उस लाल रंग के गेहूं की रोटी जब थाली में रखी जाती थी तो आदमी को भ्रम होता था कि शायद गुड़ की रोटी पत्नी ने बनाई आज। वो बहुत खुशी खुशी मुंह में डालता था और मुंह में डाल के इतनी बकबकी होती थी कि थूकता फिरता था और उसको लगता था ये किसकी रोटी है, तो वो कहती थी जैसा गेहूं मिला है उस गेहूं की रोटी बनाई। 14.82 रुपए किलो। I mean, nothing will go on record. Nothing will go on record except what Sushma ji is saying. बैठिए। नथिंग इज गोइंग इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। बैठिए। तूफानी सरोज जी बैठ जाइए। तूफानी सरोज जी बैठिए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग हाँ बैठ जाइए, अब इनको बोलने की, अच्छा ठीक है, अब बैठ जाइए, इनको बोलने की, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं अपने विपक्ष के प्लीज सिट डाउन। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी, ये उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए आप चुप रहे। गरीब सुन रहा है, गरीब सुन रहा है कि नाटक ये उनके साथ रच रहे हैं या नाटक हम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रही थी कि 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य अपने किसान को दिया, 14.82 रुपए के हिसाब से विदेश से लाल गेहूं मंगवाया, और वहीं बस नहीं कर गए, बैठे शरद भाऊ, अगले साल फिर 19 रुपया किलो की दर से 10 लाख मीट्रिक टन अनाज लेने का प्रस्ताव मंगाया। लेकिन देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया किसानों का कि इन्हें वो निर्णय रद्द करना पड़ा, वरना 19 रुपया किलो के हिसाब से फिर आयात हो रहा था। लेकिन घोटाला क्या है इसमें? घोटाले का दूसरा पहलू बताना चाहती हूँ। घोटाले का दूसरा पहलू यह है कि 2007-08 में ये कह दिया गया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है, बैन कर दिया गया, ऑस्टेंसिबली इट वाज बैंड। लेकिन आरटीआई में क्वेरी लगी, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या गेहूं का कोई निर्यात इन सालों में हुआ है, और उसका जवाब आया कि 2007-08 में भी निर्यात हुआ, 2008-09 में भी निर्यात हुआ, और 2009-10 में भी निर्यात हुआ।